हरे कृष्णा। मैं डॉक्टर मीना समतानी आपका सात्विक रसोई में स्वागत करती हूँ। आज के दिन हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट चीजी कॉर्न स्नैक्स, स्पेशली बच्चों के लिए। ये बच्चों की रेसिपी तैयार करते समय मुझे एक कहानी याद आ गई। 500 साल पहले श्री कृष्ण ने अवतारित लिया था चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और उनके घर में क्या कहानी हुई थी। जब वो छोटे थे तब उनका नाम था निमाय। उनके मम्मी डैडी ने, माता पिता ने एक ब्राह्मण को घर पे बुलाया था, और वो ब्राह्मण भगवान विष्णु के लिए खाना बनाने जा रहे थे। जब उन्होंने खाना तैयार किया और भगवान को भोग लगा रहे थे, तब आंखें बंद करते समय चैतन्य महाप्रभु यानी निमाय, छोटे बच्चे निमाय ने आके वो खाना खा लिया। जब वो पंडित ने आँख खोला तो उसने देखा, हाय हाय, मेरा ये खाना किसने खाया, ये तो झूठा हो गया है। हाय हाय, अब ये खाना मैं कैसे भगवान को भोग लगा सकता हूँ। तब उसने निमाय के माता पिता को बुलाया और बोला, अभी मुझे ये खाना नहीं भगवान को भोग लगाना, लगता है आज के दिन मैं भूखा ही रहूँगा, अब मैं जाता हूँ यहाँ से। तो निमाय के माता पिता ने बोला कि प्लीज़ हमें क्षमा कीजिए, आप दोबारा बनाइए। तो ऐसे उस ब्राह्मण ने 2-3 बार बनाया, और जब भी बनाया और भगवान को भोग लगाया, हमेशा वो निमाय आता था और वो खाना को झूठा कर देता था। आखिरी समय निमाय के माता पिता ने निमाय को रूम में बंद कर दिया और वो ब्राह्मण को कहा, अभी आप बेफिक्र, आप आराम से भगवान को भोग लगाइए। तब उस ब्राह्मण ने फिर से खाना बनाया, और जब वो भगवान को भोग लगाने जा रहे थे, तभी निमाय पंडित, आखिर वो तो भगवान ही है, दरवाज़ा कैसे उसने खोला, कैसे वो आए और ब्राह्मण को उसने दर्शन दिया कि देखो, मैं ही वो विष्णु हूँ, मैं ही वो कृष्णा हूँ जिसको आपने 3-4 बार भोग लगाया। तब ब्राह्मण विष्णु को देख के, उस कृष्णा को देख के बहुत खुश हो गए और कहा, मेरा जीवन सफल हो गया, अब मुझे पेट में खाना नहीं भी जाए तो भी चलेगा। तो आइए आज हम सात्विक रसोई में उस ब्राह्मण की तरह हम भगवान के लिए खाना बनाएं और भोग लगाएं और फिर बच्चों को खिलाएं। तो चलिए बनाते हैं चीजी कॉर्न स्नैक्स फॉर किड्स। कॉर्न अगर आप देखते हैं वो आँखों की तरह गोल गोल लगता है, तो कॉर्न इज़ वेरी गुड फॉर आईज, स्किन, हेयर। और ये आटा भी पीला रंग का है, तो ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, खास करके बैड कोलेस्ट्रॉल। तो चीजी कॉर्न के लिए अब हम लेंगे 1/2 कप ऑफ मकई का आटा, नॉट कॉर्न फ्लावर, ये मकई का आटा है विच इज़ येलो कलर एंड कोर्स, थोड़ा सा कड़क है। और 1/4 कप ऑफ मैदा, थ्री टेबलस्पून्स कॉर्न फ्लावर, ये है कॉर्न फ्लावर, फाइन रिफाइंड कॉर्न फ्लावर। और ये है मकई का आटा, दिस इज़ ऑल्सो कॉर्न फ्लावर बट दिस इज़ ओरिजिनली फ्रॉम द सीड्स, अनरिफाइंड कोर्स। उसमें हम डालेंगे चीज़ 1-2 टेबलस्पून स्वादानुसार, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। चीज़ में नमक होता है इसलिए हम एक्स्ट्रा नमक नहीं डालेंगे। 1/4 टीस्पून ऑफ जीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्ची आपकी मर्जी, डालना है डालिए, नहीं डालना है नहीं डालिए, बच्चों के हिसाब से। 1 teaspoon। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा जैसे बनाएंगे।
डो बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं अभी हमारा आटा रेडी हो गया है। इसको मैंने 10 मिनट स्टैंड बाय के लिए रखा था, नरम सॉफ्ट हो गया है। अब इसको हम अलग अलग शेप्स देंगे, बच्चों के लिए, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, हम जैसे मिडिल एजड के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो चलिए अलग अलग शेप्स देते हैं। पहले हम शुरू करते हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए फिंगर रोल्स, ताकि वो फिंगर में डाल के यूं खा सकते हैं। अब इसको हम कोई भी प्लास्टिक की थैली के ऊपर बेलेंगे, क्योंकि ये आखिर में मकई का आटा है, गेहूं का आटा नहीं है तो टूटता है, तो इसीलिए प्लास्टिक के ऊपर करते हैं। ज़्यादा मोटा भी नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं। अब इसको हम फिंगर के रोल में शेप करेंगे और ऐसे कट कर लेंगे। और ये मैदे का पेस्ट है, मैदा एंड पानी का पेस्ट, उसे हम जॉइन करेंगे। और अगर मकई टूटता है तो उसको हम दबा के फिर से बना सकते हैं। तो अभी आप देखते हैं हमने कैसे ये चार फिंगर रोल्स रेडी किए, तो बच्चे ऐसे उंगली में डाल के खा सकते हैं। तो ये बनाया हमने छोटे छोटे बच्चों के लिए। अब चलते हैं लड़कों के लिए रॉकेट्स बनाते हैं। गोल गोल अच्छा सा दबा के करिए, सॉफ्ट रहेगा और आसानी से बनेगा। थोड़ा इसको फ्लैट करना एंड देन मेक इट लाइक अ रेक्टेंगल। घबराइए नहीं अगर टेढ़ा मेढ़ा होए, यू कैन ऑलवेज कट इट विद अ नाइफ इन अ रेक्टेंगल शेप। अब हम इसको रेक्टेंगल शेप में काटेंगे। अब बन गया है रेक्टेंगल शेप, इसको हम रॉकेट बनाएंगे ऐसे। जैसे हम लोग चोटी बनाते हैं लड़कियों की चोटी, एक इस तरफ फिर एक इस तरफ, फिर एक इस तरफ से दूसरा इस तरफ से, वन फ्रॉम द लेफ्ट एंड द अदर फ्रॉम द राइट। ये बन गया हमारा रॉकेट लड़कों के लिए। अब हम चलते हैं लड़कियों के लिए बनाना, उन्हें क्या पसंद है, दिल, लव, प्रेम, प्यार। अगर आटा टूट जाएगा तो घबराइए नहीं, ऐसे जॉइन कर सकते हैं। कौन सा भी आप मोल्ड ले सकते हैं, एनी मोल्ड यू लाइक। अब मैंने ये हार्ट पसंद किया है। ये रहा लड़कियों के लिए दिल। अब हम बनाएंगे फ्लावर्स मिडिल एजड वुमेन के लिए।
ये रहा फ्लावर्स बालों में डालने के लिए। अब हम बनाएंगे सीनियर सिटीजन्स के लिए पेंडेंट्स। ये रहा पेंडेंट्स सीनियर सिटीजन के लिए गले में पहनने के लिए। अब आप देखते हैं हमारा सब शेप्स रेडी हो गया है, रॉकेट, स्टार, हार्ट। तो अभी हम सबको फ्राई करेंगे मीडियम गैस पे। तो आइए चलिए तेल को पहले गरम करते हैं। अब हमारा तेल गरम हो गया है, पहले हम चेक कर लेते हैं। ऊपर आ रहा है तो गैस को अभी हम थोड़ा मीडियम कर लेंगे। तो देखिए अब हमने कैसे ये चीज़ी स्नैक्स बनाया है बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक। ख़ास करके ये रॉकेट जूम करके बच्चों के मुंह में डालिएगा और ये रोल्स छोटे छोटे बच्चों के फिंगर्स में डाल के वो लोग खुशी खुशी खाएंगे। और ये फ्लावर्स मिडिल एजड वुमेन के लिए और ये पेंडेंट सीनियर सिटीजन्स के लिए और ये दिल छोटी छोटी प्यारी प्यारी लड़कियां के लिए। लेकिन ये सब खाना भोग लगाने के बाद। तो चलिए पहले हम तुलसी का पत्ता डालते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। तो आज का किचन टिप ये है, अगर आपको घर में दही बनानी हो और दूध फूटी ना हो, या तो वो एक चम्मच जो दही चाहिए दही बनाने के लिए जमाने के लिए वो अगर ना हो, तो आप गरम दूध में, हल्का सा गरम दूध में दो अक्खा लाल मिर्ची जो डंडी के साथ, या तो दो अक्खी हरी मिर्ची डंडी के साथ दोनों में से एक, या तो आप थोड़ा सा नींबू ताकि वो दूध फटे वो डाल के आप जमा दो रात भर, सुबह आपकी दही तैयार। और साथ ही साथ देखते रहिए सात्विक रसोई, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा आपका मन। हरे कृष्णा। चीजी कॉर्न स्नैक्स बनाने के लिए हमें चाहिए अक्खा मकई का आटा आधा कप, मैदा एक चौथाई कप, कॉर्नफ्लोर तीन बड़े चम्मच, नमकीन किसा हुआ चीज एक से दो बड़े चम्मच, जीरा पाउडर एक चौथाई छोटा चम्मच, नमक आधा छोटा चम्मच आवश्यकता अनुसार, हल्दी पाउडर एक चौथाई छोटा चम्मच, काली मिरी पाउडर एक चौथाई छोटा चम्मच, तेल एक छोटा चम्मच, पानी और तेल तलने के लिए एक बाउल ले, उसमें अक्खे मकई का आटा, मैदा, कॉर्नफ्लोर, चीज, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिरी पाउडर, तेल और पानी डालकर उसका नरम आटा गूंथ ले। अब आटा का छोटा हिस्सा लेकर उसे प्लास्टिक पेपर के ऊपर रखकर बेलन की सहायता से बेल ले और मन पसंद आकार दे। फिर उसे गरम तेल में सुनहरे रंग आने तक दोनों तरफ से तल ले। तलने के बाद उसे एक प्लेट में निकाल ले और सर्व करे। हमारा चीजी कॉर्न स्नैक्स तैयार है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो डेफिनेटली इसे लाइक कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब
और कमेंट करना भूलिएगा नहीं। हरे कृष्णा।